हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्लावर गार्डनिंग। ये देखिए हमारा हिबिस्कस का प्लांट है। इसकी कटिंग हमने लास्ट ईयर रेनी सीजन में लगाई थी, जो अब तक काफ़ी बड़ी हो चुकी है और काफ़ी ग्रो भी कर चुका है। ये देखिए, तो आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं और इसको आज हम बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट करेंगे। तो बात करते हैं हिबिस्कस के प्लांट के बारे में। हिबिस्कस का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो समर में आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। इसमें जो फ्लावर्स आते हैं वो 5 पेटल्स के होते हैं और ट्रम्पेट शेप के फ्लावर होते हैं, और जो सबसे कॉमन कलर है इसका रेड कलर का फ्लावर। तो रेड कलर का हिबिस्कस तो आपने हर जगह देखा होगा। ये बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है, और रेड कलर ऐसा है फ्लावर में कि हर कोई पसंद करता है। रेड कलर का फ्लावर बहुत ही कॉमन है और बहुत ही सुंदर लगता है। लेकिन ये वाला जो प्लांट है हमारा, ये रेड कलर का नहीं है, ये येलो कलर का है। देसी ही वैरायटी में एक येलो कलर का आता है, तो वो येलो कलर की कटिंग हमने लगाई थी। अभी देखिए ये काफ़ी बड़ी हो चुकी है और इसकी जड़ देखिए बहुत ज़्यादा फैल गई है। तो ये जो कटिंग है ये हमने लगाई थी सॉफ्ट वुड कटिंग, मतलब कि जब प्लांट में जो नई नई ब्रांचेस आती हैं और वो ब्रांचेस जिस जगह से स्टेम से जुड़ी होती हैं वहाँ से हम इसको तोड़ लेते हैं, और उसी को हमने डायरेक्ट लगाया था सोइल और सैंड मिला के। इसकी कटिंग हमने लास्ट ईयर रेनी सीज़न में लगाई थी, और बारिश के दिनों में वैसे ही प्लांट्स तेज़ी से बढ़ते हैं और नमी भी बनी रहती है, बराबर जल्दी सूखता नहीं है। तो उस टाइम पे हमने ये कटिंग लगाई थी। पहले तो सैंड में लगाई थी सबसे पहले, और जब नवंबर के आसपास जब हमें लगा कि ये थोड़ा सा चेंज करने वाला है, तो हमने इसकी सैंड निकाल के और सैंड और सॉइल में मिक्स करके लगाया था। किसी भी कटिंग को लगाने के लिए सैंड सबसे अच्छा मीडियम होता है, क्योंकि बालू जो होती है वो अपने अंदर नमी बनाए रखती है। जब आप उसमें पानी डालेंगे तो वो काफ़ी देर तक गीली रहती है, जिसकी वजह से उसमें कटिंग के चलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और इसलिए भी क्योंकि जो सैंड होती है वो बहुत ही मुलायम होती है, तो जब प्लांट की नई नई जड़ें निकलती हैं तो उसको जो है ये मीडियम बहुत ही अच्छा लगता है। इन कटिंग्स को हमने वाइट कलर के ट्रांसपेरेंट बॉक्स में लगाया था, जो इससे पहले हमने जिसमें से प्लांट निकाला उसी में ये दोनों कटिंग लगाई थी एक साथ। और हम हमेशा ट्रांसपेरेंट वाले कंटेनर में ही कटिंग लगाते हैं, जिससे कि हमको पता चले कि ये कितना बड़ा हो चुका है और कब ये निकालने वाला हुआ है। तो उसमें पहले भी जड़ काफ़ी हो चुकी थी, जिसके बाद हमने उसको अलग अलग किया ट्रांसप्लांट करके दो अलग अलग कंटेनर्स में। अब ये जाके और ज़्यादा बड़े हुए हैं। तो अब समर स्टार्ट हो रहा है, समर चल रहा है, तो इसकी रिपोर्टिंग की है। समर का प्लांट है, इसमें और बढ़ेगा। ये देखिए हमने सॉइल मिक्सचर बनाया है, पहले नीम की खली और वर्मी कंपोस्ट लेके, तो इसको अच्छे से मिक्स करना है। और ये देखिए, इसके साथ साथ आप थोड़े से DAP के दाने डाल दीजिए, जिससे प्लांट को ग्रो होने में और ज़्यादा न्यूट्रिशंस मिलेंगे, तेज़ी से बढ़ेगा। हिबिस्कस यानी कि गुड़हल। तो ये जो हिबिस्कस का प्लांट है ये एक बड़ा पेड़ है, और ज़्यादातर आपने देखा होगा इसको पार्क में लगा हुआ देखा होगा, और किसी किसी के घर में गार्डन में लॉन में लगा होता है, तो वो बहुत ही बड़ा जाता है।
ये प्लांट सच में काफ़ी बड़े हो सकते हैं अगर इनको अच्छी जगह मिले तो। हमने इसको 2 फ्लोर तक का बड़ा प्लांट देखा है, मतलब हम ट्रैवल कर रहे थे और रास्ते में एक हमें ऐसा घर दिखा जिसमें ऊपर से नीचे तक गुड़हल के फ्लावर्स भरे हुए थे, बहुत ही ज़्यादा। तो वो हमें सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ क्योंकि हमने ज़्यादातर इसको छोटे छोटे प्लांट की हाइट पे देखा है, बट ये उससे भी ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। और ये ऐसा प्लांट है कि आप इसको पॉट में भी लगा सकते हैं। ये हमारा 12 इंचेस का पॉट है, तो ये मिनिमम साइज़ का पॉट होगा जो आपको इसके लिए देना होगा, गुड़हल लगा रहे हैं तो। अभी हमारा प्लांट छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए हमने दोनों एक साथ लगाए हैं। अभी फ़िलहाल जब तक इसी में चल रहा है, उसके बाद में जाके इसको सेपरेट करेंगे। इसमें जो फ्लावर्स आते हैं वो समर से लेके जब तक विंटर नहीं आ जाता तब तक आते रहते हैं, और वैसे इसका सीज़न समर का होता है। इसमें समर में बहुत ही ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं, कलियाँ एक के बाद निकलती रहती हैं। तो इसका टाइम जो है फ्लावर्स का, मार्च से लेके नवंबर तक ज़्यादा है, और ठंड में थोड़े से फ्लावर खिलना बंद हो जाते हैं। ये देखिए, हमने इसको यहाँ पे सपोर्ट किया है। ये एक स्टिक थी लॉन्ग सी, और ये भी एक ब्रांच ही होगी किसी पेड़ की, हम लाए थे और इससे हमने इसको सपोर्ट किया है क्योंकि प्लांट बहुत ही पतला है अभी और लॉन्ग भी है, तो इसको हमें बांधना पड़ा, रुक नहीं रहा था। ये जो प्लांट है फुल सनलाइट का है, आप इसे तेज़ धूप में रखिएगा, और ये तेज़ धूप में बहुत ही अच्छा प्लांट चलता है। गर्मी होने की वजह से पॉट सूख सकता है, तो आप टाइम टू टाइम इसको वाटर देते रहिए, सुबह शाम ज़रूरत के हिसाब से। बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए गमला, और कटिंग इसकी रेनी सीज़न में लगती है, जल्दी लग जाती है। अभी समर में धूप तेज़ होने की वजह से सूख भी जाती है। गुड़हल की बहुत सारी वैरायटी आती है और बहुत कलर में आता है, हर शेड में आता है। इसकी जो देसी वैरायटी है उसमें भी कई कलर आते हैं, रेड, पिंक, वाइट, येलो, और जो हाइब्रिड वैरायटी है उसमें भी बहुत कलर्स आते हैं, तो आप अपनी पसंद का फ्लावर ला सकते हैं। थैंक यू।